अभी आपको बताएं, जीएचक्यू और कोर कमांडर लाहौर के घर पर हमले का मामला, एफआई साइबर क्राइम का तमाम मुलजिमान की प्रोफाइलिंग करने का फैसला। मजीद बात करेंगे नुमाइंदे खसूसी कमरुल मुनव्वर ने हमें ज्वाइन किया है। कमर, क्या डिटेल्स हैं? तो ये टास्क दिया गया है कि इन जो गिरफ्तार मुलजिमान हैं या जिनकी अदम गिरफ्तारी है अभी तक जो गिरफ्तार नहीं हुए, इनकी प्रोफाइलिंग का अमल जो है वो इनके सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए किया जाएगा, क्योंकि जैसे सियासी जमात की जानिब से ये कहा गया था कि ये सियासी जमात के लोग जो हैं ये नहीं हैं और ये प्राइवेट लोग थे जिन्होंने इन अमलात को नुकसान पहुंचाया, तो इसी वजह से अब इसको जो प्रोफाइलिंग करने का फैसला किया गया। इब्तदाई तौर पर जो 6 माह का डाटा इकट्ठा किया गया है उनमें से बेहतर जो मुलजमान है उन्होंने सियासी जमात का एजेंडा जो है वो प्रमोट किया है, और इस हवाले से अब बाकायदा इनकी प्रोफाइल करते हुए रिपोर्ट तैयार की जाएगी साइबर क्राइम की जानिब से, जो एफआईए के मुख्तलिफ विंग हैं और एफआईए के साइबर क्राइम के विंग जो इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स ट्विटर इंस्टाग्राम व्हाट्सएप और जो दूसरे फेसबुक अकाउंट्स हैं वहां से ये डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, और इसके बाद इनकी प्रोफाइलिंग का अमल जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है, क्योंकि जो डिनायल आया था इनकी जानिब से कि ये सियासी जमात के लोग नहीं है उसके लिए ये प्रोफाइलिंग का अमल मुकम्मल किया जाएगा। और जो जराए हैं उनको ये भी कहना है कि जब तमाम मुलजमान की प्रोफाइलिंग मुकम्मल हो जाएगी तो इसको पब्लिक भी किया जाएगा। ठीक है कमर, बेहद शुक्रिया आपका।